मेरा नाम सयार खान है और मैं ट्रक आर्टिस्ट हूँ। पहले मैं ट्रकों के पीछे काम करता था, फिर इन टिक चीज़ों पे काम शुरू कर दिया। अभी अल्लाह ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं, जिस तरह ये टिक है आपका हम देख रहे हैं मेरे पीछे, ये भी मैंने किए। ये डाइवो और ट्रांसपेशावर की मेहनत की वजह उनकी यही सलाह है कि उन्होंने अच्छा सोच के मुझे काम दिया और मैंने खूबसूरत तरीके से इनको अब आर्ट का काम मैंने दे दिया। मैं दुबई गया, यूरोप कंट्री गया, थाईलैंड एम्बेसी पे काम किया। मैंने बहुत अच्छे अच्छे जगहों पे काम किया है, मगर मेरा ख्वाहिश है कि मैं अपनी पाकिस्तान में ही अपना काम कर दूं, क्योंकि मेरे पास जो हुनर है वो यूरोप कंट्री वालों के पास नहीं है। जितने हमारे पाकिस्तान में पेशावर में अच्छी अच्छी जगह है, उधर मुझे पेंटिंग करना चाहिए। जिधर लोग गन डालते हैं उधर मुझे बुलाना चाहिए कि मैं उधर खूबसूरत सा लैंडस्केप बनाऊँ, अच्छी सी आयात लिख दूँ कि उधर लोग गन ना डालें और हमारे शहर खूबसूरत हो जाए। मैं हैदराबाद तारा पार्क के नज़दीक एक ब्रिज है बीआरटी का, जिधर मैंने बहुत खूबसूरत सा ट्रक आर्ट और फाइन आर्ट का काम किया है। अभी तो मैंने कल्चर पेंटिंग भी बनाया है, ट्रांसपेशावर ने और डेवो ने जो पेंटिंग सेलेक्ट किया था, जो हमारी कल्चर पेंटिंग है, हमारी कौमी पेंटिंग है, जिस तरह हमारा कौमी मारखोर है, तो हमारी कौमी झंडा पाकिस्तान है, कौमी शायर अल्लामा इकबाल है, इसी तरह मैंने मुख्तलिफ चीज़ें बनाई हुई। बिल्कुल ये बाब खैबर है, फैसल मस्जिद है, कायद मज़ार है, मीनार पाकिस्तान है। और दूसरी बात, जो हमारे हैदराबाद में मजदूर लोगों के लिए अस्पताल बनी हुई है, जो व्हील चेयर उनके लिए मैंने बनाए हैं। मतलब ये है कि इधर हमारी मजदूर अस्पताल जो है उन्हें बहुत अच्छी सी ट्रेनिंग देते हैं, अच्छी सी वो उसका वो देखभाल करते हैं, अच्छी व्हील चेयर देते हैं, वो भी मैंने इधर मेंशन किया। सर मैसेज क्या दे रहे हैं इसके ज़रिए आप? मैसेज ये दे रहे हो कि हमारा खैबर पख्तूनख्वा बहुत खूबसूरत जगह है, अमन पसंद जगह है, हमें इसे और खूबसूरत बनाना चाहिए। मुल्क की हालात जिस तरह भी हो, वो अल्लाह ताला इंशाल्लाह ठीक कर देगा। हमें हम लोगों को, आवाम को चाहिए कि जितनी हो सके अपने आप से वो उसको खूबसूरत बनाएं।